नमस्ते, हेल्दी एंड टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू और मसूर दाल की इतनी स्वादिष्ट दाल कि आपने पहले कभी नहीं खाई। ये बहुत ही अच्छी बनती है, आप भी इसे अपने घर में बनाइए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कद्दू मसूर दाल की स्वादिष्ट दाल बनाने के लिए मैंने लिए हैं एक फ्रेश छोटे साइज की कद्दू, 100 ग्राम मसूर की दाल, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले कद्दू छील के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले कद्दू का हम दोनों साइड का सिरा हटा लेंगे और इसे हम छील लेंगे। आप भी जब बनाए तो छोटे साइज का ही लें, बड़ा साइज का लें दाल अच्छी नहीं लगेगी। कद्दू को मैंने अच्छे से छील लिए, अब इसका हम छोटा छोटा पीस कर लेंगे। और फिर हम इसका बारीक काट लेंगे, इस तरह से लेंगे। हम बारीक काटेंगे, आपको जैसे सुविधा हो आप ऐसे काट सकते हैं। हम सारे कद्दू को छोटे छोटे पीसेस में काट लिए, अब दाल बनाएंगे। दाल बनाने के लिए हम लिए एक प्रेशर कुकर, इसमें डालेंगे हम जो छोटे छोटे पीसेस करके रखे हैं कद्दू वो। और जो दाल लिए थे उसे मैंने वॉश कर लिए, उसे भी डाल देंगे। साफ पानी से अच्छे से धो लिए। हम जो 2 टमाटर लिए उसे भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए, इसे भी डाल देंगे। साथ ही डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, और मैंने जो लिए थे 3 हरी मिर्च उसे मैंने बीच से काट लिए, इसे भी डाल देंगे। और इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। डेढ़ कप पानी डाल दिए, अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। चार सीटी लगा लेंगे, एक सीटी फुल फ्लेम पे कर लेंगे, फिर गैस को मीडियम कर देंगे। एक सीटी हो गई और गैस को मीडियम कर देंगे और 3 सीटी आने तक वेट करेंगे। 3 से 4 सीटी हो गई, हम गैस को बंद कर देते हैं और दाल को ठंडा होने देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए, कुकर से सारे प्रेशर निकल गया और दाल ठंडी हो गई। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए ढक्कन खोल लेंगे। एक चम्मच लेंगे, वैसे चेक करेंगे, दाल देखिए बहुत अच्छी बनी है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने एक बाउल ले लिया, अब इसमें सारे दाल को हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। दाल बहुत अच्छी बनी है, दाल से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम सारे दाल को इस बाउल में अच्छे से निकाल लेंगे। मैंने सारे दाल को एक बॉल में निकाल लिए, अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का के लिए हम एक तड़का छोटा पैन ले लिए हैं, अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप चाहे तो घी या बटर भी ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गए, अब हम डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, इसे मैंने कूट लिए हैं। ये कूटने से दाल का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम कूट के डालेंगे। और इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून जीरा, इसे अच्छे से चटकने देंगे। तड़का अच्छे से चटक गई, अब गैस को बंद कर देंगे और दाल में तड़का लगाएंगे। अब हम दाल पे ये तड़का डाल देंगे।
और इसे अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसका खुशबू, लहसुन का खुशबू पूरा दाल में आ जाए और दाल का टेस्ट बढ़ जाए। गर्मा गर्म कद्दू मसूर दाल की दाल बनके तैयार है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। हरी धनिया से गार्निशिंग कर देंगे ताकि ये देखने में भी थोड़ा अच्छी लगे और ये खाने में ज़्यादा टेस्ट। ये सबको बहुत पसंद आती है। आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।